माया माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मयूर शेख इस्माइल। दर्शकों, आज तिरंगा क्रिकेट क्लब दहगांव की तरफ से टूर्नामेंट रखा गया है और आज उसका भव्य उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन में ग्रंथ मुख्य अतिथि यानी प्रमुख पावने बोल के ग्रंथालय चेयरमैन और बीआरएस के नेतागण जेपीटीसी एमपीटीसी और सरपंच ये सब आकर यहाँ पर आज उद्घाटन रिबिन काटी गई। और ये जो खेल है वो खेल क्रिकेट जो खेल ऐसा खेल है ये जो बच्चों के शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है और मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है और तंदुरुस्त रखता है। अभी इसी संदर्भ में दहगांव के क्रिकेट तिरंगा क्रिकेट क्लब ने इस मैच को इस टूर्नामेंट को रखा गया। इसके सबसे पहली जो प्राइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है यानी 61,000 रुपये है। वो माननीय श्री जोगू रामन्ना यानी एमएलए स्थानीय एमएलए इनके तरफ से और ग्रंथालय चेयरमैन राउत मनोहर की तरफ से। और दूसरा प्राइज है 31,000 रुपये जेपीटीसी सतीश पवार की तरफ से और एमपीपी वनिता गंभीर ठाकरे और गांव के स्थानीय सरपंच अंबुताई विठल वराड़े इनके तरफ से 31,000 रुपये का सेकंड प्राइज है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक क्रिकेट जो है अभी लाइव चल रहा है और माया माउली के दर्शकों को बता दें कि क्रिकेट खेलने से सबसे ज़्यादा फायदे होते हैं, इससे व्यायाम होता है, इससे एक्सरसाइज होती है, सारे चीजें इसके काबू में आते हैं। बोलो कौन बोलते हैं? सचिन की काफी अबू के लिए पत्नी गेम खेलना चाहते थे, समझ ना पाए ऊपर का सारा वाइट खराब 26 रन। अगली गेम सचिन की अबू के लिए वह फिल्डर मौजूद है, देखना है एक विकेट के नुकसान पर। मैं बोल रहा हूँ निकल रहा मैंने भी 333 रुपये का इनाम। बेस्ट बॉलर के लिए इनाम खान टेंडर्स यूनुस खान इनके तरफ से 2,551 रुपए का इनाम है। काफी अच्छी गेंदबाजी वापस सेना की। रस्ते पे गाड़ा ना लगा जोगू रामन्ना साहब 41,000 20,000 माझ्या तर्फे आणि सेकंड प्राइज 100% जेडपीटीसी आणि तुमचे सरपंच साहब। या प्रकारे ह्या खेळामुळे प्रेम भावना एकता गावातल्या युथ मुलांची युनिटी सर्व ह्या खेळामुळे मिळणार आहे। हार जीत बदल नाही, हारते खेळणे वाले जीतने वाले जिंकते, हारने वाले हारते। हारले तरी कोण्या प्रकारे आपण हारलो, आपण जे नंतर कशा प्रकारे आपली का गलती होती, का आपण सुधार कराव, का आपण त्याच्यात करेक्शन कराव, हा जीतण्याकरता आपण नेक्स्ट जीतण्याकरता भी हार जरुरी आहे, अनुभव पाहिजे माणसाने। तर पुन्हा एक वेळ क्रिकेट टूर्नामेंट कार्यक्रम कुठे असू द्या,
कबड्डी असू द्या, खेलकूदमुळे व्यायाम भी होते, युनिटी होते, प्रेम भावना वाढते आणि प्रत्येक गावात आमचे जोगू रामाना साहेब आमची मंडळची टीम एमपीपी जेडपीडीसी सरपंच सगळे आम्ही सहकार्य करून हरेक गावात फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज हरेक गावात देण्यात येतात. परवाच बेल्यामध्ये झालं, प्रत्येक गावात होत आहे हा क्रिकेट टूर्नामेंटला यूथ मुलाला सर्व केव्हाही बीआरएस पार्टी द्वारा आम्ही केव्हाही मागे येत नाही म्हणून या संदर्भात सांगत पुन्हा एक वेळ शांततेने 15 ते 20 दिवस ह्या जवळजवळ मॅच चालते, एक महिना चालते, शांततेने आपण खेळाचं प्रदर्शन करून शांततेने आपण आपली जे युनिटी दाखवून गावाची युनिटी पुन्हा एक वेळ दहिगाव गाववासियांना युवकांना बुजुर्गांना मी हमेशासाठी तुम्हाला एक गोष्ट देतो, हर क्षेत्रामध्ये तुमच्या पाठीमागे आम्ही आहोत. जोगू रामाना साहेब एमपीपी जेडपीडी सरपंच आम्ही पुरे मंडळची टीम आहे म्हणून या संदर्भात सांगत माझे दोन शब्द समाप्त करतो. सांगल्याबरोबर एमएलए साहेब आपल्याला आणि एमएलए जोगू रामाना साहेब आणि आदिलाबाद जिल्हा ग्रंथालय संस्था चेअरमॅन आपले राऊत मनोहर साहेब हे दोघं मिळून 61,000 रुपये फर्स्ट प्राइज देण्यात येत आहे आणि तसंच सेकंड प्राइज एमपीपी वनिता गंभीर ठाकरेजी आणि आपले स्थानिक सरपंच आमचे विठ्ठल काका वराळेजी आणि आमच्या नेतृत्वामध्ये सेकंड प्राइज भी देण्यात येत आहे आणि तसेच का नाही विविध बक्षीस भी याच्यात आहे. ते सर्व आपले गावकरी आणि मेन मेन लीडर त्याच्या हाताने देण्यात येत आहे. तिरंगा क्रिकेट क्लब आयोजित करे गया है. यहाँ पर पहला बख्शीस एमएलए साहब जोगू रामन्ना इनके ओर से है और दूसरा बख्शीस ग्रंथालय चेयरमैन मनोहर जी राउत इनके तरफ से है. मकसद क्या है क्रिकेट क्लब तुम्हारा? मकसद हमारे यूथ के बच्चों को इसमें उत्साह ऊर्जा आने के लिए और यहाँ पर हम हर साल टूर्नामेंट रखते और इस टाइम पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल भी सपोर्ट मिला और यूथ का भी सपोर्ट मिला, इसलिए हम यहाँ पर क्रिकेट के सामने रखे गए हैं. दर्शकों, एकता के लिए एकता का सबसे बड़ा मंच होता है वो क्रिकेट होता है. अभी इससे ये साबित हो रहा है कि यहाँ पर सब एक जगह आकर इस खेल को मनोरंजन को अपने दिलों से लगाकर इस खेल को आगे बढ़ाते हैं. अभी यहाँ पर हर साल टूर्नामेंट होता है और इसी संदर्भ में इस साल भी 2023 में भी टूर्नामेंट रखा गया है. धन्यवाद पर आप बने रहिएगा. माई माउली हिंदी समाचार के साथ कैमरामैन दीपक उर्वती के साथ इस्माइल शेख माई माउली दहगांव.